अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि रात के वक्त कोई दूसरे मोहल्ले के लोग इस मोहल्ले में आकर इनके मकान के चबूतरों पर बैठ रहे हैं और यही वजह है कि इनको रोकने पर इनके साथ मारपीट की गई और यहाँ पर शराब जैसे चीज़ का नशा किया जा रहा है और आने जाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। बाद में ये लोग बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत किए, पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दी। तकीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं उस्मान नगर से हूँ, शाहीन नगर से। आज जो है अब्दुल वहाब पे जो है 8 से 10 आदमी जो है गैंग अटैक करे, वो मौजूद हालात मौजूद में मैं वहाँ मौजूद था, मैं देखा और वहाँ पर छुड़ाने की भी कोशिश करे। मुझे अटैक करने का मतलब क्या है उन लोगों का बोले तो, हमारी बस्ती में आके बेवजह जो है आके बैठना, के उनका घर भी नहीं है वहाँ पे। अब कोई गैर मर्द जो है आके हमारे घर के बाजू बैठा तो हम पूछेंगे भाई आप क्यों बैठे, क्या बैठे। वो पूछने से जो है उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने 4-8-10 आदमी को लाके जो है सडनली अटैक करे। वो बच्चा भी कुछ गैर गलत नहीं बोला, उसके घर के सामने कोई भी गैर आदमी कैसा रहता भाई, क्यों आता दूसरी बस्ती में, क्यों आता। कोई लेडीज़ आने जाने में जो है बहुत डर रही, क्यों बोले तो ऐसे नज़ारे से देख रहे हो लगा कि हम किसी को लेके जा नहीं सक रहे हमारे घर की औरतों को, पूरा हिफ्टीजिंग कर रहे हो लोग और ड्रिंकिंग कर रहे बैठ के। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे से यही मुतालबा है कि जो है ये ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करिए। और हमारे से हमारे बालापुर CI साहब से रिक्वेस्ट है, भास्कर साहब से, कि इस पर जो है सख्त आप कार्रवाई करिए, शुक्रिया। मैं उस्मान नगर से हूँ, उस्मान नगर में बड़े बड़े दिक्कतें हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोग आए तो आते राउंडिंगा करते, घर में से लेडीज़ निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। लेडीज़ को इस तरह देखते हैं जैसे कि कोई नई चीज़ है सरकार, और बोले तो लड़ने आ जा रहे हैं। पीना यहाँ पर कॉमन है लोगों के लिए, यहाँ पर शराब पी के यहाँ पर शराब की बॉटलें फेंक देते हैं, यहाँ पर गैदरिंग कर रहे हैं। और हमारे खुद को हम बोले भी तो हमारे पर लड़ने कैसे आते दूसरी जगह, और यहाँ के एरिया के नहीं है, दूसरे एरिया के हैं लोग, और हम लोग बोलना भी बोले तो हमको डर लगता है। क्यों कि तब पूरा ग्रुप बना के आके मारते हैं, हम लोग को अकेले आके नहीं आते लड़ने, पूरा ग्रुप बना के आते। हम पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट करें तो पुलिस वाले, अभी तो रिपोर्ट दिखा है, अभी क्या होता है कि एक्शन नहीं मालूम हमको। और ये बहुत सारे जने का नाम तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे जनों आते जो गैदरिंग करते, गांजा पीते हैं यहाँ पर, शराब पीते, यहाँ पर लड़कियों को देखना, बच्चों को लंबरा लेना, ये कॉमन बात है यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस वाले आके हमारे एरिया में एक राउंडिंग नहीं मारते। भास्कर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि एक 3 से 4 राउंडिंग रात के टाइम पर करा दिए तो मेहरबानी होती। उस्मान नगर में पानी आया, जब से आधार कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं तो अभी तक आधार कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं, जवान जवान बच्चों के नंबर आधार कार्ड लेना ये कॉमन बात है यहाँ पर। लेके है तो फोना करना, राशन दे रहे हैं बोले घरों पे बुला रहे हैं, यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पब्लिक डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है यहाँ पर। राशन तो दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मतलब तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पर लोगों की, बच्चों के नंबर निकाल ले रहे हैं और चेहरा देख के राशन दे रहे हैं यहाँ पर दिए भी तो। और यहाँ पर तो शुक्रिया,